हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे डेल्टा इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, जो कंट्रोल और पावर की ड्राइंग है, उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। जो भी टेक्नीशियन हैं, उनके कभी कभी समझ में नहीं आता, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि वो समझ सके कि पावर वायरिंग और ये कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, ड्यूअल स्टार्टर है ये एक, और ड्यूअल स्टार्टर के प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने एक बनाई हुई है पहले, उसका आई बटन मैं इसमें दे दूंगा। और अभी हम एक ड्राइंग पढ़ना बताएंगे कैसे इसको रीड किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका थ्री फेज पावर सप्लाई है, RYB पावर इनकमिंग सप्लाई है, 415 वोल्ट, 100 एम्पेयर, 50 हर्ट्ज़ की थ्री फेज सप्लाई है, जो बस बार है। इससे तीनों फेज का जो लिंक है वो इससे जुड़ा हुआ है। एक MPC भी लगी हुई है जो कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। ये 6.3 से 10 एम्पीयर तक का MPC भी है। इसमें ऑल लोड रिले भी इसमें कंबाइंड लगा हुआ है, और इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी है इसके अंदर, ताकि MCB ऑफ हो गई या फिर ट्रिप हो गई तो ये अपना इंडिकेशन ये इसमें शो करेगा। उसके बाद पावर आएगा हमारा C1, यानी कि कॉन्टेक्टर। C का मतलब होता है कॉन्टेक्टर, जो अपना पावर कॉन्टेक्टर है उसमें सप्लाई आएगी, जो है 25 एम्पेयर का, थ्री पोल का है, TP यानी कि थ्री पोल पावर कॉन्टेक्टर है। RYB इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऑल लोड रिले। ऑल लोड रिले है हमारा 6 से 10 एम्पेयर का, मतलब कि MPC भी तो हमारा लगा हुआ ही है। उसके बाद भी एक ऑल लोड रिले लगाया है जो कि मोटर को और प्रोटेक्शन करेगा। इसके बाद जो ऑल लोड रिले से आउटपुट निकलेगा वो हमारे मोटर को जाएगा डायरेक्ट। ये मोटर है, इसका UVW में RYB इसका कनेक्ट हो जाएगा। 3.7 किलोवाट ड्यूअल स्टार्टर फीडर है। अब दोस्तों, ये हो गई हमारी पावर वायरिंग। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए इसमें 230 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर सप्लाई सबसे पहले इस TB से आएगा, 0102 से, फ्रॉम 240 वोल्ट AC सप्लाई फ्रॉम कंट्रोल बस। जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है उसके अलग से बस होती है, उसमें से हमने एक फेज और एक ये न्यूट्रल इसमें ले लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल में एक लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है N02, यहाँ भी N02 है, यानी कि ये न्यूट्रल है। और यहाँ से जो लिंक है, इससे आउटपुट जो निकलेगा वो सीधा हमारा C1 कॉन्टेक्टर को चला जाएगा। ये मेन कॉन्टेक्टर, इसका पावर कॉन्टेक्टर, इसके A2 में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ लिखा है TP कॉन्टेक्टर, यानी कि थ्री पोल का ये कॉन्टेक्टर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी ये इसमें फेज की वायरिंग, जो फेज से पूरा कंट्रोल होता है ड्यूअल स्टार्टर। सबसे पहले देखेंगे इसमें P02, यानी कि ये P02 ये है फेज, फेज यहाँ से लिया। इसके बाद ये है एक MCB लगी हुई है, जो 6 एम्पेयर की सिंगल पोल MCB है, 10K MCB, यानी कि 10,000 एम्पेयर तक उसका शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा, और 6 एम्पेयर इसका ओवरलोड करंट है। ये MCB का सिंबल है, सिंगल पोल MCB है। ये यहाँ से E01 से E02 को ये जाएगी। उसके बाद ये इसकी बस हो गई, एक कॉमन वायर है पूरा। अब ये नीचे को कॉन्टेक्टर को यहाँ से सप्लाई इसकी जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर इंटरलॉकिंग के लिए दो पॉइंट दिए हुए, जो कि ये TV पे जाएंगे। यहाँ पे बाहर पैनल के पीछे TV लगा होता है, वहाँ पर जाएंगे ये फ्यूचर इंटरलॉकिंग के लिए, यानी कि E02 और E03 हमको यहाँ पे मिलेंगे। E02 और E03 ये दोनों लॉकिंग, जैसे कि कहीं लिमिट्स वगैरह इसमें लगा सकते हैं, इसके लिए प्रोविज़न दिया होता है। उसके बाद है MPCB ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ये MPCB, यही MPCB है। जब MPCB ऑन होगा तो ये NO का NC हो जाएगा। अभी ये NO पॉइंट है, तो हम MPCB ऑन करेंगे तो ये NC हो जाएगी। उसके बाद सप्लाई हमारी E03 से E04 को आ जाएगी। E04 तक सप्लाई आने के बाद ये जाएगा ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में 95 और 96, जो हमको यहाँ मिलेगा। ये ओवरलोड रिले लगा हुआ है। जब भी मोटर ट्रिप होएगी, जब मोटर ट्रिप हो जाएगी तो ये
एन से एनओ हो जाएगा और मोटर को स्टॉप कर देगा, मतलब कि ये पूरा सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी एन सी है तो ये एनओ हो जाएगा। उसके बाद जब ये एन सी रहेगा तो E04 से E05 को आ जाएगी सप्लाई। इसके बाद TR1, ये TR1 है, एक रिले लगा हुआ है जो ट्रिपिंग का है, ये देख लो दोस्तों, ये ट्रिपिंग का रिले है। इसको न्यूट्रल यहीं से कॉमन मिल गया। अब ये जो ट्रिपिंग का रिले है, ये एक तो ओवरलोड रिले से ऑन होगा, ये वाले ओवरलोड रिले जब ट्रिप हो जाएगी उसके इसके एनओ से इसको लिया है, जब ट्रिप हो जाएगी तो ये एनसी हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई फेज होते हुए और ये ट्रिपिंग रिले को ऑन कर देगा। और दूसरी इसकी सप्लाई यहाँ से ली हुई है एमपीसीबी ट्रिप कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो एमपीसीबी है इसके एनओ पॉइंट से यहाँ ली हुई है। जब ये एमपीसीबी ट्रिप हो जाएगी तब भी ये रिले ऑन हो जाएगा, और ये रिले ऑन होने के बाद ये जो एनसी है तो ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और यानी कि ओपन कर देगा। तो दोस्तों इसके बाद जो E05 से E06 में सप्लाई जो आएगी वो हमारा स्टॉप पुश बटन फ्रॉम एलपीबीसी, यानी कि इसको कोई दूसरी जगह से या फिर मोटर के पास से इसको जब कंट्रोल करवाते हैं तो उसके लिए स्टॉप पुश बटन लगाया जाता है, वो फील्ड में लगेगा। इसका जो वायरिंग है वो हमारा इस टीवी में मिलेगा, यहाँ से दोनों वायर E06 और E07 निकलेगा, जो कि 06 से ये 07, यहाँ पर हम इसको वायरिंग कर सकते हैं बाहर से कोई पुश बटन लगा के या फिर इमरजेंसी में लगा के यहाँ पे एलपीबीएस यानी कि लोकल पुश बटन इस पर लगा सकते हैं। ये इंटरलॉकिंग है एक। इसके बाद E07 के बाद E08 में आएगा स्टॉप पुश बटन। ये स्टॉप पुश बटन है ये जो स्टॉप पुश बटन है ये पैनल पे माउंट होता है, यही पैनल पैनल से जब इसको ऑपरेट करते हैं तो इसको स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अब ये सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है एक SS1, यानी कि सेलेक्टर स्विच 1। तो इसमें तीन पॉइंट का है, एक तो ये कॉमन है और ये PLC पॉइंट है, ये रिमोट पॉइंट है और ये लोकल पॉइंट है। जब हम इसको PLC से कंट्रोल करेंगे तो इसको इस पर सेट करेंगे और इसको रिमोट से कंट्रोल करेंगे यानी कि फील्ड से, तो इसको यहाँ पर सेट करेंगे, और लोकल से यानी कि पैनल से इसको ऑन ऑफ करेंगे तो इसको लोकल पे सेट करेंगे। तो देखिए अब हम इसको PLC पे सेट करते हैं तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी यहाँ तक हमारी सप्लाई आ गई थी E08 तक। अब इसके बाद जो निकलेगी वो स्टार्ट स्टॉप कमांड फ्रॉम PLC, यानी कि PLC में ये कनेक्ट होगा दोनों वायर, और ये जब NC होगा तो ये सीधा यहाँ से जो सप्लाई आएगा वो कॉन्टेक्टर में चला जाएगा। ये कॉन्टेक्टर में जाने के बाद ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा। तो ये जो X1.7, X1.8, E09 और ये E012 यहाँ पर मिलेगा हमको, E09 और E012 स्टार्ट स्टॉप कमांड टू PLC, यानी कि हम इसको PLC से ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम इसको रिमोट पे सेट करते हैं तो रिमोट के लिए स्टार्ट पुश बटन लगेगा एक फील्ड में, और एक स्टार्ट पुश बटन स्टॉप तो यहाँ लगा हुआ है, और एक ये स्टॉप पुश बटन फील्ड में ये है, और दूसरा स्टार्ट बटन इसका जो जो भी फील्ड में लगेगा इसका पॉइंट है E10 से E12, जो जो अपने को यहाँ पे मिलेगा E10 से E12, यानी कि स्टार्ट पुश बटन फ्रॉम LPB, यानी कि ये लोकल पुश बटन जिसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो सप्लाई है वो कॉन्टेक्टर में सीधे यहाँ पे A1 पे आ जाएगी। A2 को हमने न्यूट्रल पहले से दे ही रखा है तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, सॉरी पिकअप हो जाएगा। इसके बाद इसको होल्डिंग करने के लिए एक जो कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है उसमें एनो पॉइंट यूज़ किया जाता है, जो स्टार्ट के दोनों पॉइंट से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये होल्ड हो जाएगा और वहीं रुका रहेगा, जहाँ तक स्टॉप नहीं दबाएंगे वहाँ तक ये कॉन्टेक्टर छूटेगा नहीं इससे। उसके बाद हम अगर सेलेक्टर स्विच को लोकल पे सेट करते हैं तो लोकल से E11 से ये सप्लाई आएगी E12 पे, कब आएगी जब हम स्टार्ट पुश बटन इसमें पुश करेंगे। जब यहाँ से स्टार्ट पुश बटन पुश करेंगे ये जो पैनल पे होगा, जैसे ही ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी और इसको होल्डिंग करने के लिए
सी वन ये जो है ये एनओ से उठाया हुआ है, कॉन्टेक्ट का एनओ, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एक और लगेगा इसमें, उसके एनओ से होल्डिंग पॉइंट दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्टेक्ट पिकअप हो गया है। इसके बाद ट्रिपिंग, इसमें इंडिकेटर की वायरिंग देख लेते हैं। एक तो इसमें ऑन इंडिकेटर है, जैसे कि कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा तब ये ऑन इंडिकेशन इसमें शो करेगा, और जब ऑफ रहेगा तो ये ऑफ इंडिकेशन शो करेगा, और जब ट्रिप हो जाएगा तो ये ट्रिप इंडिकेशन शो करेगा। तो इसकी वायरिंग देख लेते हैं दोस्तों। ये फेस सप्लाई जो एमसीबी से कंट्रोल होकर आ रहा है वही इसकी वायरिंग में जाएगा। जैसे कि यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये ऑल आउट रिले के जब, अभी तो ये एनओ है, जब ये ट्रिपिंग हो जाएगी, मोटर ट्रिप हो जाएगी, तो यहाँ से जो एनओ है ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सप्लाई है यहाँ से सीधा TR1 को चला जाएगा, जो कि ट्रिपिंग का रिले लगा हुआ है। और यही TR1 का एक एनो पॉइंट उठाया हुआ है, जो कि ये ट्रिप इंडिकेटर को ऑन करेगा। ये फेज यहाँ से दिया हुआ है, और ये एनओ से एनसी हो जाएगा जब ये रिले ऑन होगा, तो ये ट्रिप का इंडिकेशन शो करेगा। इसके बाद है दोस्तों ऑफ का इंडिकेशन, ये इंडिकेशन कॉन्टेक्टर के एनसी से लिया जाता है। कॉन्टेक्टर में एक ऑक्सिलरी जो कॉन्टेक्टर होता है उसके एनसी पॉइंट से इसको कनेक्ट किया जाता है 41 42 से। जब तक कॉन्टेक्टर नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो ये एनसी रहेगा, और ये सप्लाई यहाँ से इसमें जाती रहेगी, और ये ऑफ इंडिकेशन इसमें जलता रहेगा जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो जाता। जब कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये एनसी से एन हो जाएगा, और ये ऑफ का इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, और ये ऑन का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर के एनओ से लिया हुआ है। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा ये एनओ से एनसी हो जाएगा, और ये जो सप्लाई है यहाँ से, और ये L1 यानी कि ऑन इंडिकेटर को, ये जो रेड इंडिकेटर है और ये ग्रीन है, और ये एम्बर कलर है, इसका मतलब भी ऑरेंज कलर। तो दोस्तों इसमें एक और प्रोविजन है, इसको PLC से कैसे ऑपरेट करते हैं। PLC से ऑपरेट करने के लिए इसमें कॉमन पर 24 वोल्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और ऑन फीडबैक इसके कॉन्टेक्टर के एनओ से मिलेगा। 24 वोल्ट सब में कॉमन लगेगा, और ऑन फीडबैक लेने के लिए यहाँ पर वायर कनेक्ट करेंगे जो PLC में जाएगा, PLC के DI में, और जो ट्रिप फीडबैक है वो भी PLC के DI में जाएगा यहाँ से एनओ पॉइंट से। इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में ये कनेक्ट होंगे, और ये जो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है वो यहाँ पर, इसमें इसकी वायरिंग यहाँ कनेक्ट होगी, ताकि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि ऑटो पर है या मैनुअल में है, वो इससे PLC को पता रहेगा कि ये अभी ऑटो पर है या मैनुअल में है। इसकी वायरिंग यहाँ पर है, ऑन फीडबैक, ट्रिप फीडबैक, ऑटो फीडबैक। तो दोस्तों यही थी वायरिंग, ये एकदम सिंपल वायरिंग है ड्यूल स्टार्टर की। इसके बाद स्टार डेल्टा और कंट्रोल वायरिंग बहुत है इसमें ड्राइंग में, मैं इसको एक एक करके दिखाता रहूँगा बाद में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, और हमारी और भी वीडियो है प्रैक्टिकल की, जिसमें ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ट्यूबलाइट की वायरिंग, ये सब वीडियोस में मिल जाएगी आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।